गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इन साइंस लेसन नंबर 7, न्यूट्रिशन एंड डाइट। अब नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ खाने के बारे में हमको बता रहे हैं। ओके, सो सी द पिक्चर्स। विच आर द वेरियस ग्रुप्स ऑफ फूड स्टफ्स, नेम द वंस यू सी इन द पिक्चर। विच मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड डू वी गेट फ्रॉम देम। वेरियस फूड हम खाते हैं, खाने में हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें खाते ही हैं, पर कुछ चीज़ें लाइक लिक्विड में आती है, कुछ चीज़ें सॉलिड में आती है, कुछ चीज़ें एयर में तो नहीं खाते हम, तो सॉलिड और लिक्विड ही होता है। और दूसरा है, हम कुछ नॉन वेज होता है, कुछ चीज़ें वेज होती है, और कुछ चीज़ें हम लाइक दूध वगैरह है या फिर कोई फ्रूट्स में जाता है। ओके, सो फूड स्टफ्स यहाँ पे तीन अलग अलग दिए हैं। देखो, कुछ चीज़ें रॉ खाने की होती है, जैसे कैरेट वगैरह, कैरेट है, कुकुम्बर है, और कुछ चीज़ें हैं जो हम पका के खाते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम दोनों कच्चा भी खा सकते हैं, पका भी सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे अलग अलग चीज़ें दिया, यहाँ पे मीट, एग वगैरह एक दिया है, दूसरा पल्सेस, सीरियल्स दिया है, तीसरा वेजिटेबल्स। लिविंग थिंग्स टेक फूड एंड वाटर एंड यूज देम फॉर वराइटी ऑफ पर्पजेज सच एज ऑब्टेनिंग एनर्जी, ग्रोथ ऑफ द बॉडी, टू कैरी आउट डे टू डे फंक्शन ऑफ द बॉडी, टू फाइट डिजीजेज। हम जो भी चीज़ का इनटेक लेते रहे उससे कुछ कुछ चीज़ें हम कुछ तो करते हैं, कुछ तो उससे पर्पज़ होता है, उसी लिए करते हैं। कभी कभी हमको उससे एनर्जी मिलती है, कोई चीज़ से हमारी ग्रोथ होती है, कोई चीज़ जो है डे टू डे फंक्शन जो बॉडी का है वो होना चाहिए उसके लिए होती है। कुछ चीज़ें जो एनर्जी बूस्टर होती है या इम्यूनिटी बूस्टर होती है वो हम खाते हैं ताकि हम कोई भी डिजीज़ से फाइट कर सकें। न्यूट्रिएंट्स एंड फूड स्टफ। देयर आर सिक्स मेन न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, फाइबर, विटामिंस एंड मिनरल्स। दीज आर द मेन न्यूट्रिएंट्स। ओके, दिस न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। ये अलग अलग चीज़ों में प्रेजेंट होता है और अलग अलग चीज़ का अलग अलग पोर्शन जब हम खाते हैं तो हमको ये चीज़ें मिलती हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट सम ऑफ देम। अब इसके बारे में हम आज ज़्यादा जानकारी लेंगे। ओके, अब पर यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, न्यूट्रिएंट्स का जो डेफिनेशन है वो है, तो लेट्स डिस्कस दैट। इन लिविंग थिंग द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड वाटर एंड यूजिंग इट फॉर ग्रोथ एंड अदर पर्पस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, and the constituent of foods useful for this purposes are called nutrients. Now, energy giving nutrients are carbohydrates. सबसे ज़्यादा एनर्जी हमको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, इसीलिए हमारे खाने में ये जो है वो मस्ट है। कुछ भी खाएंगे हम बगैर कार्बोहाइड्रेट के हम नहीं खाते। देखो, our main need is of energy, it is fulfilled by carbohydrate. Hence our diet include a large portion of cereals in the form of rice, chapati, roti, bhakri and bread which contain carbohydrates. Cereals are our staple food. Bigair isse na hum chicken kha sakte hain, bigair ye saari cheeze se hum na dal kha sakte hain. So hum koi bhi achhi vegetable ho या कोई भी अच्छी करी हो, विदाउट हम कार्बोहाइड्रेट नहीं ले सकते, नहीं खाते हैं। लाइक राइस, चपाती, रोटी, भाकरी, ये सारी चीज़ें क्या है, ब्रेड वगैरह, ये तो होएगी, इसके साथ हम कुछ खाते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट फैट्स। सम पार्ट ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो फुलफिल्ड बाई फैटी फूड सच एज ऑयल, घी एंड बटर। सॉरी, हमारी बॉडी को कुछ एनर्जी मिलती है और ये एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो फैटी फूड से ही होती है, जैसे कि ऑयल, घी और बटर, और ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। वी गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फ्रॉम द फूड वी ईट। हीट इज़ मेजर्ड इन किलो कैलोरीज। हमको जो एनर्जी मिलती है वो हीट बनता है उससे बॉडी में, और वो हमारी एनर्जी होती है, और इसको हम कैसे मेजर करते हैं, हम इसको किलो कैलोरीज में मेजर करते हैं। हैंस द एनर्जी इन फूड आइटम इज ऑल्सो मेजर्ड इन किलो कैलोरीज और कैलोरीज।
चिल्ड्रेन ऑफ ग्रोइंग एज नीड टू गेट अप्रॉक्सीमेटली 2000 to 2500 कैलोरीज फ्रॉम द फूड दे ईट। जो ग्रोइंग एज के जो बच्चे हैं उनके लिए 2000 से 2500 तक की जो कैलोरीज है डेली फूड में वो होना ज़रूरी है। उससे ज़्यादा अच्छा नहीं है, कोई भी चीज़ एक लिमिट से ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो वैसे ही और बटर और फैट जो है वो उतना ही खाना चाहिए, उससे ज़्यादा वो अच्छा नहीं है। प्रोटीन, वी नीड प्रोटीन्स फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ, रिपेयरिंग द वेयर एंड टीयर ऑफ द बॉडी एंड फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस। वी गेट प्रोटीन्स फ्रॉम द स्प्राउट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट एंड एग्स इन अवर फूड। हमको प्रोटीन किस चीज़ों से मिलता है? हमको प्रोटीन से क्या होता है, ग्रोथ होती है, फास्ट ग्रोथ होती है। और जो बॉडी में वेयर एंड टीयर है, रोज़ कोई टिश्यू जो है वो डेड हो जाते हैं, रोज़ कोई नए टिश्यू बनते हैं। ये एक प्रोसेस है हमारे अंदर, इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए हमको अच्छा प्रोटीन हमारी बॉडी में जाना बहुत ज़रूरी है। और इन सब के अलावा भी कुछ प्रोसेसेस हैं जिसके लिए प्रोटीन ज़रूरी है। और हमको प्रोटीन किस चीज़ से मिलता है? हमको प्रोटीन मिलता है स्प्राउट से, हमको प्रोटीन मिलता है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से, मीट से और एग से, मिनरल्स एंड विटामिंस। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मिनरल्स एंड विटामिंस। टू इम्प्रूव द बॉडीज रेजिस्टेंस टू डिजीज एंड फॉर द अदर लाइफ प्रोसेसेस द बॉडी नीड्स विटामिंस, मिनरल्स एंड फाइबर इन द डाइट। देखो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज आकर कभी कभी चले जाते हैं और हमको इफेक्ट नहीं कर सकते, छोटी मोटी जो डिजीज है। तो ये जो डिजीज है ये आने के बाद भी कैसे चले जाते हैं? बिकॉज हमारी जो बॉडी में वो एक बॉडी रेजिस्टेंस मीन्स हमारे डिजीज़ को फाइट करने वाली जो है वो क्षमता होती है, इसको इम्यूनिटी बोलते हैं। आपने अभी कोरोना के टाइम पे भी सुना होगा ना, इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है, तो उसको इम्यूनिटी बोलते हैं। जो बीमारी से लड़ने की जो ताकत है वो ज़्यादा हो अगर किसी के अंदर, तो वो छोटी मोटी बीमारी उनको प्रॉब्लम नहीं करती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई वही बीमारी से कोई इंसान बहुत बीमार हो जाता है और वही सेम बीमारी अगर किसी और को होती तो उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, बिकॉज वो अंदर से उसकी इम्यूनिटी क्या है, स्ट्रांग है। सो इन सब के लिए अगर हमको हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है तो हमको मिनरल्स और विटामिंस लेना होगा। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दाल में से या सब्ज़ी में से जो है टोमेटोज निकाल के बाहर डाल देते हैं। तो टोमेटोज में भी बहुत अच्छा खासा मिनरल्स होता है, अगर हम उसको ऐसे ही फेंक देंगे तो मिनरल्स चला जाएगा और हमारी बॉडी कोई भी बीमारी से फाइट करने के लिए रेडी नहीं होगी। सो बी केयरफुल, खाने में कोई भी चीज़ को निकाल कर फेंकना या नहीं खाना, या परमानेंटली बोल देते नहीं हम कभी तो दाल खाएंगे ही नहीं, तो ये चीज़ भी गलत है। दाल या कोई भी सब्ज़ी वगैरह जो भी आपको नहीं पसंद है, पहले देखो उसके अंदर कोई मिनरल्स है या कोई विटामिंस है, प्रोटीन है, तो उसको खाओ, आपका जो शरीर है आपकी जो बॉडी वो स्ट्रांग हो जाएगी। वी रिक्वायर विटामिंस एंड मिनरल्स इन स्मॉल क्वान्टिटीज बट द डेफिशिएंसी कैन लीड टू वेरियस डिजीजेस। देखो हमको जो विटामिंस और मिनरल्स है डेली का वो बहुत कम ही हमको लगता है, बट क्या हो जाता है पता है, ये थोड़ी चीज़ का भी जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो बहुत ही मेजर होता है। और बॉडी में कोई ना कोई डेफिशिएंसी मीन्स कमी, अगर किसी आयरन की कमी है आपको या फिर आपको हेमोग्लोबिन की कमी है तो वो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करेगा। तो लेट अस लर्न अबाउट दैम। द बॉडी नीड्स सेवरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, दे आर कॉल्ड मिनरल्स। द टेबल बिलो गिव्स एग्जाम्पल ऑफ सम मिनरल्स एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर फंक्शंस इन द बॉडी, द वेरियस सोर्सेज ऑफ द मिनरल्स एज वेल एज द डिजीज कॉज बाय देयर डेफिशिएंसी। अब हम पढ़ेंगे कि ये सारी चीज़ें जो आयरन जो मिनरल्स हैं उनको होने से हमको क्या हो सकता है और उनके बॉडी में नहीं होने से या कम होने से हमको क्या प्रॉब्लम हो सकती है और हमको ये चीज़ कहाँ पे मिलेगी, उसके सोर्सेस। नाउ हियर देयर आर फोर कॉलम्स यू कैन सी, मिनरल्स, फंक्शंस, सोर्सेस, डेफिशिएंसी। मिनरल्स अगर इसकी कमी होती है या इसका काम बॉडी में क्या है उसको बोलेंगे फंक्शंस। मिनरल के बारे में जो भी मिनरल है उसके फंक्शन बॉडी में क्या है और वो क्या काम करती है हमारे बॉडी में वो बताया गया है। सोर्सेज बताया गया कि आपको ज़्यादा जो है सोर्स कहाँ से मिलेगा। फिर डेफिशिएंसी बताइए कि उसकी डेफिशिएंसी को क्या बोलते हैं। लाइक फर्स्ट इज आयरन कैरिंग ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये जो है हमारी बॉडी, हम सांस लेते हैं वो खून में जो मिल जाता है हमारा ऑक्सीजन वो पूरी बॉडी को पहुँचाना,
हमारे ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाता है और वो पूरे बॉडी में उसको पहुँचाया जाता है। फिर सोर्स क्या है? सोर्स है इसका मीट, स्पिनाच, एप्पल्स, रेजिन्स। डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज, इसकी डिजीज अगर ये कम हो जाए हमारी बॉडी में आयरन, तो उसकी जो बीमारी है उसको क्या बोला जाता है? अनीमिया। नेक्स्ट इज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ये क्या करते हैं? बोन और टीथ को स्ट्रॉन्ग करते हैं। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट में मिलेगा आपको ये, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलेगा आपको कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, और मीट में मिलेगा। इसकी जो डेफिशिएंसी है, इसके कम होने से हमको कौन सी बीमारी हो सकती है? बैड टीथ, ब्रिटल और वीक बोन। मीन्स आपने कभी सुना होगा ना कि किसी आपके घर में जो कोई एजड पर्सन होगा तो उनकी हड्डी क्या हो गई है? घस गई है। उनकी हड्डी क्या हो गई है? नरम हो गई है, या उनकी हड्डी बढ़ गई है। ये सारी बीमारी होती है वीक बोन्स और ब्रिटल बोन्स की, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आयोडीन। आयोडीन कंट्रोल्स ग्रोथ, स्पीड्स अप केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। रेजिन्स, बीन्स, फिश, सी फूड, ये सारी चीज़ों से हमको आयोडीन मिलेगा, और इसकी डेफिशिएंसी अगर ये कम हो जाए तो उसको गर्टर बोलते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सोडियम एंड पोटेशियम। मेंटेन्स द बॉडी वाटर बैलेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ द मसल्स एंड नर्वस सिस्टम। अगर ये चीज़ कम हो जाती है तो हमारे जो मसल्स हैं या नर्व्स हैं वो काम करना थोड़े स्लो हो जाते हैं। आपको एक टीचर एक एग्जाम्पल देते हैं, आपने कभी सुना होगा किसी मम्मी को या आंटी को या आपके बड़े ब्रदर सिस्टर कजिन सिस्टर्स को ही होगा, तो वो लोग बोलते हैं ना नस पे नस चढ़ जाती है, कुछ तो दर्द होता है थोड़ी देर के लिए, वो आता है। तो दिस इज़ बिकॉज लैक ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। अगर ये चीज़ अगर आप खाओगे, इसका जो सोर्स है अगर वो बराबर रहेगा आपकी बॉडी में, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। किस किन चीज़ों में है? सॉल्ट, चीज़, लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड पल्सेस। अगर ये चीज़ें कम है तो आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी होगा। एफिशिएंसी ऑफ मसल्स, मसल्स का जो एफिशिएंट है, जो उसका काम है, वो कम हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट विटामिन्स। हमने जो पढ़ा वो मिनरल थे, अब हम पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन वाटर सॉल्युबल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन्स, वन इज वाटर सॉल्युबल एंड वन इज फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल जो भी विटामिन होते हैं, अगर हम वो लेते हैं और वो एक्सेस हो जाते हैं हमारी बॉडी में, मीन्स वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो यूरिन के जरिए से, जब हम पानी पीते हैं तो वो यूरिन या के जरिए से वो बाहर चले जाते हैं। बट अगर हम फैट सॉल्युबल विटामिन ले रहे हैं, विटामिन्स लेते हैं और वो एक्सेस हो जाते हैं, तो बॉडी में क्या बनाने लगता है? फैट बनाने लगता है और आप मोटे हो जाते हो, वो बॉडी से बाहर नहीं जाएगा। तो टीचर ने एक रफ आपको छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया, अब इसके बारे में हम रीड करते हैं। विटामिन बी एंड विटामिन सी डिजॉल्व इजली इन वाटर, सो दे आर कॉल्ड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। दे आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द वाटर इन स्वेट एंड यूरिन। स्वेट और यूरिन दोनों के जरिए से वो बाहर चले जाते हैं। हैंस अ रेगुलर सप्लाई ऑफ दिस विटामिन्स इज एसेंशियल। इसके लिए बी और सी डेली खाना चाहिए। जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं ना, उसमें विटामिन सी होता है। आप कुछ भी खट्टा खाते हो ना, उसमें विटामिन सी होता है। थोड़ा खट्टा है तो विटामिन सी की जो मात्रा है उसके अंदर कम है, अगर वो ज़्यादा खट्टा है तो उसके अंदर विटामिन सी की जो मात्रा है वो ज़्यादा है। तो ये हमको डेली खाना चाहिए। B1, B2, B3, B6, B9 एंड B12 आर द इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ विटामिन बी। ओके, वाटर इनसॉल्युबल विटामिन्स, दीज विटामिन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट दे आर सॉल्युबल इन फैटी सब्सटेंसेस। दे गेट स्टोर्ड इन द बॉडी लाइक विटामिन्स ए, डी, ई एंड के आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ए, डी, ई, के, ये सब क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन्स है यार। इसका मतलब है वाटर इन सॉल्युबल मीनिंग विटामिन्स, दोनों सेम है। वाटर इन सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल मीन्स सेम है। अंडरस्टूड? नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट विटामिन्स एंड सोर्सेज ऑफ विटामिन्स। विटामिन ए का क्या हमको हेल्प करता है? प्रोटेक्ट आइज, हेल्प टू कीप स्किन, बोन्स एंड टीथ हेल्दी। अगर कभी आपको स्किन का कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है तो आप दवा मेडिसिन वगैरह डॉक्टर के पास तो जाओगे, बट इसके साथ अगर आप ये सारे सोर्सेज शुरू कर दोगे तो वो इम्प्रूव हो जाएगी, वो चीज़ जो है आपके वो इम्प्रूव होगा, ये उसको हेल्प करेगा। लाइक मिनरल्स के बारे में हमने पढ़ा, अगर हमने पहले पढ़ा था कि आयरन की कमी अगर आपको, तो आप रेजिन्स, एप्पल्स ये सब खाओगे, मिल्क पियोगे, तो वो चीज़ वो कवर होने लगेगी दवा के साथ साथ, मेडिकल के साथ साथ। तो वैसे ही ये भी सोर्सेज है, कैरेट, मिल्क, बटर,
डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, स्वीट पोटैटोज, डीप येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डेफिशिएंसी डिजीजेज। विटामिन ए की कमी से कौन कौन सी डिजीजेज होगी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। नाइट ब्लाइंडनेस, इनअबिलिटी टू सी इन डिम लाइट, जीरोडर्मा, ड्राई स्किन। देखो हमको जो नेचर ने जो हमारा जो आईसाइट बनाया है कंप्लीट जो अंधेरा होता है उसमें भी हमको कुछ कुछ चीज़ें हम देख सकते हैं कुछ चीज़ें, और डिम लाइट में हमको काफ़ी चीज़ें देखने मिलेंगी। तो बट अगर विटामिन ए की कमी है तो हम रात होते ही हमको दिखना बंद हो जाएगा। सो हमको ये सारी चीज़ें जो है वो जल्दी जल्दी खाना शुरू करना चाहिए, और बहुत ज़रूरी, अगर आप नहीं खाते हो तो आपको खाना चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट B1। इट हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शन ऑफ नर्व्स एंड हार्ट। नर्व्स मीन्स जो नसें होती है वो, हार्ट आपको मालूम ही है इन दोनों का जो प्रॉपर फंक्शन है, दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है बॉडी में, और अगर ये नहीं होगा तो हमको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये दोनों इन दोनों का फंक्शन है प्रॉपर रखने के लिए हमको B1 विटामिन है वो उसका सेवन करना चाहिए। ये हमको कहाँ से मिलेगा, इसका सोर्स है मिल्क, फिश, मीट, सीरियल्स, नट्स एंड पल्सेस। इससे जो बीमारी होती है उसका नाम है बेरीबेरी, जो एक नर्व डिसऑर्डर है, मसल्स वीकनेस या इनएफिशिएंसी। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट B9। B9 बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमको मिलेगा डीप ग्रीन वेजिटेबल्स में, पपाया, आजमैन, कीवीज में। अगर हम ये नहीं लेते हैं तो हमारी जो ग्रोथ है वो इनप्रॉपर होगी, बाल नहीं बढ़ेंगे, नेल्स ब्रिटल होंगे, नेल्स भी टूट जाएंगे, हड्डियों में दर्द, कमर में दर्द और अनीमिया और भूलने की बीमारी हो जाएगी आपको, और जो हमारी जो काम करने की जो क्षमता है, एफिशिएंसी है, वो स्लो रहेगी। B12 फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। B12 ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए, हेमोग्लोबिन जो होता है वो बनाने के लिए आपको चाहिए B12। ये हमको कहाँ मिलेगा, मीट और मिल्क प्रोडक्ट्स में। एंड देन इससे जो बीमारी होती है वो अनीमिया भी होती है। नाउ विटामिन सी। विटामिन सी प्रोटेक्ट्स बॉडी टिश्यूज, फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन, अ प्रोटीन एसेंशियल फॉर गम्स, टीथ, बोन एंड स्किन। टिश्यू बनाने के लिए, जिस टीचर ने पहले भी बताया कि हमारे बॉडी में से बहुत सारे टिश्यू रोज़ बनते हैं और बहुत सारे टिश्यू रोज़ डेड भी हो जाते हैं, तो इसको वापस से बनाने के लिए, उसको फॉर्मेट करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। और ये एक ऐसा विटामिन है जो हमारे गम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर गम्स अच्छे रहेंगे तो हमारे टीथ को पकड़ के रखेंगे, और टीथ अगर जितनी देर तक वो पकड़ के रखेंगे हमारे टीथ अंदर रहेंगे, अगर वो ढीले हो जाएंगे तो वो बाहर गिर जाएंगे। बोन्स और स्किन के लिए भी विटामिन सी बहुत अच्छा है। जो लोग विटामिन सी की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं उनकी स्किन कैसी होती है, ग्लोइंग होती है। लाइक आंवला, कीवी, ऑरेंजेस एंड अदर सिट्रस फ्रूट, कैबेज, टोमेटोज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। टीचर ने पहले ही कहा विटामिन सी किस में होगा, खट्टी चीज़ों में अवेलेबल होगा। एंड नाउ इससे जो होने वाली कमी है वो है स्कर्वी, मीन्स ब्लीडिंग गम्स। जो गम्स है उसके अंदर से खून आने लगता है, तो ये बीमारी कभी कभी किसी किसी को ऐसा होता है कि जो ब्रश करते हैं उसमें भी खून निकलता है, तो वो भी बीमारी आप विटामिन सी का जो सेवन है वो बढ़ाते जाओ। थायरॉइड माल फंक्शन ये भी एक बीमारी है, डायबिटीज़ जैसी है। इसका जो माल फंक्शन है मीन्स या तो आयोडीन कम हो जाता है या तो आयोडीन ज़्यादा हो जाता है उसकी वजह से, या तो विटामिन सी कम हो जाता है या विटामिन सी ज़्यादा हो जाता है उसकी, उसका जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब होता है, उसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है। डिले इन हीलिंग ऑफ वाउंड्स, हमको ज़ख्म होता है, अगर हमारा विटामिन सी अच्छा है बॉडी में तो ये जो वाउंड है वो जल्दी भर जाएगा, वरना नहीं भरेगा। नाउ नेक्स्ट इज विटामिन डी, एब्जॉर्ब केमिकल एंड फॉस्फोरस फ्रॉम हेल्दी बोन्स एंड टीथ। देखो हम तो विटामिन डी हमारी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस बहुत सारा है, बट अगर विटामिन डी नहीं होगा तो इनको ऑब्जॉर्व हमारी बॉडी नहीं कर सकती है। ऑब्जॉर्व करने का काम विटामिन डी करता है। विटामिन डी हमको कहाँ से मिलेगा, अगर हम सुबह सुबह की जो सनलाइट है उसमें हम जाकर खेलते हैं या उसके अंदर जाके सन बात लेते हैं या बैठते हैं,
तो हमको वहाँ से विटामिन डी मिलेगा। इज मेड इन द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम सम सब्सटेंसेस, और कुछ सब्सटेंसेस से हमारी बॉडी अब्जॉर्व कर सकती है, बट बहुत ही लोअर प्रपोर्शन में। ज़्यादा हमको मिलेगा एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, ओके, और सुबह के टाइम पे। हाँ, आप बोलोगे दोपहर में, मम्मी को बोलोगे टीचर ने बोला है कि वो एक्सपोज करना चाहिए और मैं दोपहर में जा रहा हूँ, आप बीमार पड़ रहे हो, वैसा नहीं। सुबह में आप जाओगे और ये हमको कम प्रपोर्शन में मिलेगा, मीट, मिल्क, फिश, एग्ज, बटर। देन रिकेट्स, सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स कॉजिंग पेन एंड फ्रैक्चर्स। अगर विटामिन डी नहीं होगा तो हमको रिकेट्स हो जाता है, जो है वो हड्डियों को नरम कर देता है और बार बार हर जगह पे जो दर्द होता है वो इसी वजह से होता है, और फ्रैक्चर्स भी हो जाते हैं कभी कभी अपने आप। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट विटामिन ए। विटामिन ए स्मूथ फंक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म इनसाइड द सेल, रिप्रोडक्शन, मेंटेनिंग एफिशिएंसी ऑफ मसल्स। मेटाबॉलिज्म, सबसे पहले तो हमको ये पढ़ना है कि मेटाबॉलिज्म क्या है, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म क्या होता है। देखो, जब हम खाना खाते हैं, खाने में आइदर वी टेक प्रोटीन, आइदर वी टेक मिनरल्स, आइदर वी टेक वाइटामिन्स, बट और वी कैन टेक फैट और कार्बोहाइड्रेट। बट जब हम सिर्फ प्रोटीन, मतलब हम सबका मिक्सचर ही लेते हैं, तो उस खाने में से प्रोटीन और विटामिन को, प्रोटीन को प्रोटीन बनाना, फैट को फैट रखना, और आयन को आयन रखना, कार्बोहाइड्रेट का काम हमारा मेटाबॉलिज्म करता है। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म वीक है तो वो सारे प्रोटीन, विटामिन, सब चीज़ों को वो फैट बना देगा, जो हमारी बॉडी के लिए प्रॉब्लमेटिक है। सो दिस स्मूथ अगर चलना है हमारे मेटाबॉलिज्म को, तो हमारे लिए विटामिन ई बहुत ज़रूरी है, ओके। रिप्रोडक्शन, मेंटेनिंग एफिशिएंसी ऑफ मसल सेल्स, वीट, जम, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, टेंडर लीव्स, वेजिटेबल्स ऑयल्स, ये सारे क्या है, विटामिन ई के सोर्सेज है। इससे क्या हो सकता है, वीक मसल्स हो सकते हैं, स्किन के प्रॉब्लम हो सकते हैं, और ऑब्स्ट्रक्शंस इन रिप्रोडक्शन। नाउ हमारी बॉडी को कुछ रिप्रोड्यूस करना है तो वो करने में ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स रुकावट होगी। नाउ विटामिन के, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट विटामिन के, दैट इज हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये डेफिशिएंसी इसकी बहुत ही बहुत ही बड़ी बीमारी है ये विटामिन। जब हमको जब वाउंड लगता है, कट जाता है, तो आपने देखा होगा कि कुछ टाइम उसमें खून निकलता है, छोटा अगर कटा है तो कुछ टाइम के बाद वो रुक जाता है, राइट। तो वो कैसे रुकता है, विटामिन के की वजह से हमारी बॉडी एक जो है वो नेट टिश्यू बनाने लगती है, कटने हमको नहीं दिखता है, वो माइक्रोस्कोप से दिखेगा, हमारी जो बॉडी है वो एक नेट टिश्यू बनाने लगती है, जो अंदर का ब्लड अंदर रखती है, बाहर उसको निकल ही नहीं देती है। तो जब ये होता है, और ये हेरिडेटरी प्रॉब्लम है, या अगर किसी एक को होगा तो ये वापस से ये, और बहुत ही रेयर डिजीज़ है, कम मिलती है ये, अगर मदर फादर में से किसी एक को है तो बच्चे को होने की चांसेस होते हैं, अगर पहले से आप ध्यान नहीं दोगे तो। तो ये जो इसको बोलते हैं क्लॉटिंग। नाउ इसका सोर्सेज है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन कैबेज, ब्रोकली, स्प्राउटेड पल्सेस, येलो ऑफ एग्स, और अगर हमारे बॉडी में ये कमी है तो फिर क्या होगा, अगर हमको कोई इंजरी लगती है तो हमारी बॉडी से ब्लड लॉस होते ही रहेगा, वो बहुत टाइम होते रहेगा। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न नेक्स्ट इज, यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट सम विटामिंस आर वेरी सेंसिटिव टू हीट एंड लाइट। फॉर एग्जांपल, विटामिन सी इज इजली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग। जैसे हम जब खाना बनाते हैं और अगर हमने उसमें कुछ विटामिन सी की भरपूर मात्रा डाल दी है, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल है, क्या होगा, वो पकने के टाइम पे पकेगा, बॉयल होएगा, पानी के साथ मिलेगा और वाटर वेपर के साथ वो उड़ जाएगा, अंडरस्टूड। तो ऐसी चीज़ों को कम ही पकाना चाहिए, या ना ही पकाए तो ही अच्छा है। और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, जो उसका विटामिन है वो पूरा चला गया है और जो बचा हुआ कचरा है, फिर हम वो खाएंगे और हम सोचेंगे हमको, हमारी बॉडी को क्या मिल रहा है, विटामिन सी मिल रहा है, राइट। नाउ हियर आर सम फोटो पिक्चर्स यू कैन सी। इन द पास्ट, कैस्मिर फंग वॉज अ साइंटिस्ट हु बिलोंग टू पोलैंड इन यूरोप, एक यूरोप के जो
साइंटिस्ट है, उन्होंने कुछ आर्टिकल पढ़ा है या लिखा है उसके बारे में हमको बताएंगे। ही रीड दैट पीपल हु एट ब्राउन राइस वर लेस लाइकली टू बी वेरी वेरी देन दोज हु एट फुली मेल राइस। जो ब्राउन राइस खाने वाले लोग हैं उनको बेरी बेरी जल्दी हो जाता है, और जो कम जो वाइट वाला खाते हैं उसको उनको लेट होता है, सॉरी बेरी बेरी से कम बीमार पड़ते हैं वो लोग जो ब्राउन राइस खाते हैं, और जो वाइट खाते हैं वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई एंड आइसोलेट द सब्सटेंस विच प्रिवेंट हिज डिजीजेस। तो वो इसकी क्या कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे और ट्राई कर रहे थे कि इससे कौन कौन कैसे ये डिजीज़ कैसे प्रिवेंट होगी, और उन्होंने इसका नाम रखा विटामिन। ही ऑल्सो प्रपोज दैट अदर डिसऑर्डर्स लाइक स्कर्वी, पेलेग्रा एंड रिकेट्स वर ऑल्सो कॉज बाय अ डिफिशियंसी ऑफ वेरियस विटामिन। फिर उनको धीरे धीरे मालूम पड़ा कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो भी किसी ना किसी विटामिन या मिनरल्स की कमी से ही होती है। प्रोबायोटिक, यू नो दैट द यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट मिल्क इन टू द योगर्ट आर प्रेजेंट इन योगर्ट एंड इन बटर मिल्क, दे आर कॉल्ड प्रोबायोटिक्स। Lacks of microorganisms reside in our intestine. They are present in such large numbers is essential for our health. Hence, to maintain them in our body, we should include probiotics such as yogurt and buttermilk in our daily diet. Like, देखो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कभी कभी हमारा खाना खराब कर, ज़्यादातर हमारा खाना खराब कर देते हैं, कीड़ा लगा देते हैं उसके ऊपर, हमारे फ्रेश वेजिटेबल्स को खराब कर सकते हैं। बट कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हमारी बॉडी के लिए भी अच्छे होते हैं, जैसे कि जो बटर मिल्क छाछ होती है उसके अंदर होते हैं या फिर दही के अंदर होते हैं, और ऐसे हमारे इंटेस्टाइन में हज़ारों लाखों माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और उनको मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। और इसको मेंटेन कैसे किया जाएगा, अगर हमारे खाने में छाछ और दही होगा। ओके, वेन वी सफर फ्रॉम लूज मोशन एंड वॉमिटिंग वी थ्रू आउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलॉन्ग विथ इंटेस्टाइनल वाटर। देखो जब हमको लूज मोशन होते हैं या वोमिट होती है तो क्या हो जाता है, हमारी बॉडी से पानी बाहर निकल जाता है, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है ये भी बाहर चले जाते हैं। इसीलिए अक्सर डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, अगर आपको लूज मोशन हो रहा है वोमिट हो रही है तो बोलते हैं ना दही खाओ, इसीलिए खा जाते हैं। सम मेडिसिन कैन ऑल्सो कील देम, और कुछ मेडिसिन भी इतनी पावरफुल होती है कि उसको मर जाते। इसके लिए कोई कोई चीज़ों के लिए डॉक्टर खुद बोलते हैं कि अगर आप ये दवाई लोगे तो उसके साथ आप क्या करो, दही खाओ। Therefore, we need to take extra yogurt, buttermilk to restore their number. Now, we will learn about balanced diet. Now, what is balanced diet? All that we consume during the day is together our core. सुबह से लेके शाम तक जो भी हम खा रहे हैं उसको डाइट बोलते हैं। बट क्या हम खाना सही खा रहे हैं, और अगर जो चीज़ हम सही खा रहे हैं बैलेंस करके खा रहे हैं उसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। A diet containing adequate quantity of all nutrients is called a balanced diet. To build a strong and healthy body, you need all your nutrients in the right proportion in insufficient quantities in your daily diet. Significance of a balanced diet: an increased capacity to work, good physical and mental health, increased capacity to fight, resist diseases, helps in proper growth of body. ये सारी चीज़ें हमको balanced diet से मिलेगी। Balanced diet में क्या क्या आएगा, cereals and pulses, fruits and vegetables, milk products and fish shakes, fatty substances जैसे कि ऑयल, घी, बटर, कुछ भी, कोई भी एक, सब नहीं खा जाना है। अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ बैलेंस डाइट वी ऑल्सो नीड टू एक्सरसाइज रेगुलरली टू कीप आर सेल्स फिट एंड हेल्दी। और आपको रोज क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। हाउ टू गेट अ बैलेंस डाइट, हमको बैलेंस डाइट कैसा लेना है। टू एंश्योर दैट वी गेट अ बैलेंस डाइट फ्रॉम द फूड वी ईट, वी कैन मेक अ फूड पिरामिड। ऑल फूड which we eat is classified into various groups. The space allotted to each food is the pyramid, depends upon the proportion in which it should be included in our diet. Hence, we can choose food from each group daily according to the space allotted to it in the pyramid. If we choose some item from each group in the right proportion according to the pyramid shown as on page number 53, we can make sure that we are getting a balanced diet. अभी आप चेक करो, आप इस पिरामिड में देखो, आज आपने क्या क्या खाया, आज आपने ब्रेड खाया, आज आपने दूध भी खाया, आज आपने वेजिटेबल्स खाए, आज आपने ऑयल खाया, बट आपने क्या नहीं खाया, आपने फ्रूट्स नहीं खाए। अगर कुछ चीज़ें उसमें से बच गई है तो उसको नेक्स्ट डे खा के अपनी बॉडी का जो प्रपोर्शन है बैलेंस डाइट है उसको बैलेंस करो। या आज आपने फैट ज़्यादा लिया है तो कल आप प्रोटीन ज़्यादा लो, अगर आपने आज प्रोटीन ज़्यादा लिया है तो कल मिनरल्स ज़्यादा लो। ओके, फाइबर, If we select a daily diet which includes vegetable, fruits, sprouts and cereal according to the pyramid view, we will also get a fiber in sufficient quality. अब हमको फाइबर भी मिलेगा इन सारी चीज़ों से।
Now you have to always remember that if our need for nutrients is met through the food we eat, the nutrients can better utilize in our body. अगर खाने से हमारी जो nutrients की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है तो वो best तरीके से use होगा. Hence the best way to good health is taking a balanced diet and avoiding the deficiency of any nutrients. Now next is, can you recall what trouble do we have to face if we do not get enough fiber from our daily diet? अगर हमको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा तो क्या हो सकता है और क्या केयर हमको इसके लिए लेनी चाहिए वो हम पढ़ेंगे. ओके, वाटर. ऑल्दो ऑल द अदर न्यूट्रिशंस द बॉडी ऑल्सो नीड्स एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर. फॉर दिस पर्पज वी मस्ट ड्रिंक बाई मिल्क, बटर मिल्क, लेमन जूस, शरबत, फ्रूट जूसेज एंड प्लेंटी ऑफ वाटर. अगर हम बराबर से न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में खा लेंगे, प्रॉपर सप्लाई लेंगे, तो हमारी जो बॉडी है, पीने का जो पानी है, बटर मिल्क जो भी है, लेमन वगैरह, शरबत वगैरह, जूस वगैरह में से जो भी पियेंगे हमारी बॉडी में प्लेंटी ऑफ वाटर मतलब ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा पीना चाहिए, वो हमारी बॉडी को यूज़ में आएगी, यूज़ करना है उसको. और माल न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन की कमी, और एक होता है ओवर न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन ज़्यादा जिसमें कमी होगी वो दुबला पड़ता सुखड़ा होगा. ओवर न्यूट्रिशन में मोटा हो जाता है इंसान. माल न्यूट्रिशन ऑकर्स वेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट द बॉडी नीड्स आर नॉट ऑब्टेन्ड इन द प्रॉपर. वही मतलब आपको कमी होगी, प्रॉपर फंक्शन नहीं मिलेगा, प्रॉपर प्रपोर्शन में नहीं मिलेगा, तो आपको कमी हो जाएगी, दैट इज माल न्यूट्रिशन. और ओवर न्यूट्रिशन में क्या हो जाएगा, अगर हम फैट फैट ज़्यादा ले रहे तो बाकी सब तो कम हो जाएगा और फैट ही ज़्यादा हो जाएगा. अगर हम आयन ले रहे तो आयन आयन ज़्यादा हो जाएगा और बाकी सब कम हो जाएगा. यस, ये सबसे फेवरेट चीज़ है बच्चों की. और इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जंक फूड, चॉकलेट्स, नूडल्स, बर्गर्स, पिज़्ज़ा, चिप्स, बॉटल्स ऑफ ड्रिंक्स, अट्रैक्टिवली पैक्ड स्नैक्स आर ऑल्सो रेडी, हैज ऑल्सो रेडी फ्राइड फूड स्टफ्स अवेलेबल इन द मार्केट सच एज वड़ास, पकौड़ास. ये सारी चीज़ें बहुत कैकिस में आती हैं, ये सब टेस्टी होती है, हमको सबको पसंद है. बट इसके अंदर जो इसके अंदर ज़्यादातर जो चीज़ें होती है वो रिफाइंड फ्लावर या फिर मैदे से बनी होती है, शक्कर और तेल इसमें ज़्यादा होता है. When refined flour is made from the wheat or when sugar is made from the sugar cane, many nutrients in the wheat or sugar cane are lost in the process. गेहूँ से मैदा बनाने तक उसके अंदर के जो बहुत सारे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. और शुगर से जो शुगर केन बनता है वो भी क्या हो जाता है, शुगर बनते बनते बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं. हैंस ऑल वी गेट फ्रॉम दिस फूड्स इज एनर्जी एंड आवर हंगर इज सेटिस्फाइड. अब हमको सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है कि थोड़ी बहुत एनर्जी मिल जाती है इसे, और जो हमारी भूख है वो पेट जो है हमारा वो भर जाता है, नथिंग कुछ और नहीं मिलता है. नेचुरली इफ यू ईट अ लॉट ऑफ जंक फूड यू विल गेट इन सफिशेंट क्वान्टिटी ऑफ द आइटम्स फ्रॉम अदर फूड ग्रुप्स. इसीलिए नेचुरली अगर हम नहीं खाते हैं, हम सिर्फ रोज़ बर्गर पिज़्ज़ा खा रहे थे, हमको बाकी जो वेजिटेबल्स है, मीट है, दूध है, ये सारी चीज़ों की जो क्वान्टिटी वो नहीं मिलेगी. अगर ऐसा होता है बार बार तो हमारी बॉडी में बहुत जल्दी शॉर्टेज होता है प्रोटीन्स का, विटामिन्स का, मिनरल्स का, जो कि हमको माल न्यूट्रिशन का लीड करता है. और क्या हो जाएगा, आप जो है फैट तो हो जाओगे, मोटे हो जाओगे, बट आपके अंदर ना प्रोटीन्स होगा, ना विटामिन्स होगा, ना मिनरल्स. जंक फूड ईटन फ्रिक्वेंटली ऑल्सो कॉजेज ओबेसिटी. ओबेसिटी इज़ नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ. वही एज सच फूड डू नॉट सप्लाई ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स दे आर कंज्यूम. इसीलिए इनके अंदर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है ज़रूरी, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, जंक फूड बोला जाता है. अब हमको अवॉइड करना है अगर ओबेसिटी तो हमको बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा, होल ग्रेन के फूड्स लेने पड़ेंगे, फ्रूट्स लेने पड़ेंगे, वेजिटेबल खाना पड़ेगी स्किन के साथ, और हमको बाइसाइकिल का यूज़ ज़्यादा करना पड़ेगा और आउटडोर गेम्स ज़्यादा, फ़ोन पे गेम नहीं खेलना है. और आपको क्या करना है, डू नॉट ईट इफ यू आर नॉट हंग्री. अगर आपको भूख नहीं लगी है तो खाना नहीं खाना है. और खाते वक्त हमको टीवी नहीं देखना है, आपको मोटरसाइकिल को ट्रैवल नहीं करना है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस के लिए चल के जाना है. पहले से पके हुआ जो कच्चा खाना है वो, और पैक किए हुए जो मैगीज वगैरह मिलती है, नूडल्स वगैरह मिलता है, पैक किया हुआ जो फूड है, वो सारी चीज़ें आपको नहीं खानी है. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एडल्ट्रेशन. अब एडल्ट्रेशन का मतलब क्या है, एडल्ट्रेशन का मतलब है मिलावट. ओके, सिंपल लैंग्वेज में मिलावट करना. इन ऑर्डर टू अर्न मोर प्रॉफिट, चीपर सब्सटेंसेस ऑफ लो क्वालिटी आर मिक्स विद द फूड स्टफ. प्रॉफिट ज़्यादा बनाने के लिए जो कंपनीज है वो क्या करती है, सस्ती चीज़ों को अच्छी चीज़ों में मिला देती है, उसका वेट ज़्यादा हो जाता है,
और वो वैसे ही भेज देती है। इसीलिए कभी भी बोला जाता है ना कि आप कोई चीज़ खाते हो तो उसको ब्रांडेड अच्छी कंपनी का लेकर खाओ। दिस सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एडल्टरेंट्स, और जो मिलावट करने वाली चीज़ें उसको एडल्टरेंट बोलते हैं, और मिलावट करने वाले प्रोसेस को एडल्टरेशन बोलते हैं। और कोई कोई एडल्टरेशन क्या होता है, पॉइजनस होता है, हार्मफुल होता है। सच एडल्टरेटेड फूड इज इम्प्योर एंड हार्मफुल एंड सो अनफिट टू फॉर कंजम्पशन मीन कंज्यूम करने के लिए। देखो जैसे दूध है, दूध को किस चीज़ों से मिलावट की जाती है, वाटर से, एक केमिकल है यूरिया, उससे या स्टार से, जिससे वो गाढ़ा दिख भी दिखे, उसके अंदर दूध भी कम लगे और पानी और ये भी ज़्यादा हो जाए। चीनी, चीनी पाउडर जो होता है, रेड चिली पाउडर जब मम्मी खाने में डालती है, उसको क्या करते हैं, ईट होती है ना, उसको पीस के उसके अंदर मिला देते। या फिर पाउडर्ड पम्पकिन, जो पम्पकिन आता है भोगला जिसको बोलते हैं, उसको सुखा के उसको पाउडर कर देते हैं और उसको भी उसको मिला देते। पेपर कॉर्न, ब्लैक पेपर जो हम खाते हैं ना खाने में काली मेरी, उसके अंदर क्या करते हैं, पपैया की जो सीड होती है उसको धूप में सुखाया जाता है और उसको उसके अंदर मिला दिया जाता है। आइसक्रीम, आइसक्रीम में पेपर पल्प मिलाया जाता है, वॉशिंग सोडा मिलाया जाता है। इसीलिए बी केयरफुल, डोंट ईट आइसक्रीम सो मच। राइस, राइस में छोटे छोटे वाइट के टुकड़े मिला दिए जाते हैं। पीनट्स में क्या करते हैं वो लोग, रेड रेड कलर के पेबल्स मिला देते हैं, स्टोन मिला दिया देते हैं, उनको चूने के टाइम पर उसको क्या करना पड़ता है, अरे पकाने से पहले उसको चूना पड़ता है, अंडरस्टूड। और वो दिखाई नहीं देते मिक्स होते हैं तब। ओके, आई होप यू पीपल अंडरस्टूड दिस। बाय बाय।